एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड एंड सेसमे। ठीक है, जो आपका सेसमे है या फिर जो आपका सेसमम है या फिर जो तिल कहते हैं, ठीक है, उसका और मस्टर्ड का, ठीक है, सरसों का, दोनों का क्रॉप प्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा क्रॉप प्रोडक्शन। गाइस अगर मैं मस्टर्ड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होगा। मस्टर्ड के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो जनरली हम साइंटिफिक नेम की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, ब्रैसिका स्पीशीज। क्या कहते हैं? ब्रैसिका स्पीशीज। जो आपका फैमिली है वो है ब्रैसिकेसी या फिर क्रूसीफरे। ठीक है, ब्रैसिकेसी या क्रूसीफरे इसका फैमिली है और ब्रैसिका स्पीशीज इसको जनरली कहा जाता है। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ओके, तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके बॉटनिकल नेम के बारे में पहले, ठीक है, मस्टर्ड का जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रैसिका स्पीशीज। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो फैमिली है वो है ब्रैसिकेसी। ओके, क्या है? ब्रैसिकेसी। ओके, नाउ इसका अगर आप ओरिजिन देखोगे तो इसका जो ओरिजिन है वो है चाइना। इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है चाइना। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रैसिका स्पीशीज लिखा, लेकिन एक्चुअली कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? अगर आप क्लासिफिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक होता है हमारा रेप सीड। ठीक है, रेप सीड जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रैसिका नैपस, और मैंने यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के जो क्रोमोजोम नंबर है वो अलग अलग है, तो उसको हम अलग से आइए मेंशन करते हैं। तो जो सबसे पहला है मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, रेप सीड। ठीक है, क्या कहते हैं? रेप सीड कहते हैं। अब ये जो रेप सीड है ये है ब्रैसिका नैपस, जिसका क्रोमोजोम नंबर है कितना, 38। ओके, 38 इसका क्रोमोजोम नंबर है ब्रैसिका नैपस। ओके, साथ ही साथ अगर आप देखोगे दूसरे जो टाइप्स हैं, जैसे कि आपका ब्लैक मस्टर्ड या फिर हम हिंदी में उसे कहते हैं बनारसी राई। ठीक है, क्या वो कहते हैं? ब्लैक मस्टर्ड। ये कॉमन नेम्स प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ब्लैक मस्टर्ड या फिर बनारसी राई। ठीक है, जो ये बनारसी राई है यहाँ पे, इसमें जो आपका क्रोमोजोम नंबर है वो है 2n=16, लेकिन सबसे पहला जो है इसका स्पीसीज क्या है? ब्रैसिका निग्रा। ठीक है, ब्रैसिका निग्रा, और इसका क्रोमोजोम नंबर कितना है गाइस? 2n=16। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो थर्ड है वो है ब्रैसिका कैरिनाटा। ओके, अभी जो ब्रैसिका कैरिनाटा है इसका जो हमारा कॉमन नेम है या जो वर्नाकुलर नेम है उसको हम कहते हैं इथियोपियन या फिर अफ्रीकन मस्टर्ड। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली मैं वर्नाकुलर तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली ये अफ्रीकन मस्टर्ड है। ओके, और हमारे लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि हमारे लैंग्वेज में कहा जाता है, इसका जनरल नेम जो है वो इथियोपियन या अफ्रीकन मस्टर्ड है, इथियोपियन या अफ्रीकन मस्टर्ड। ओके, इसका साइंटिफिक नेम क्या है गाइस? इसका साइंटिफिक नेम है ब्रैसिका कैरिनाटा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो 2n इसका कितना हो जाएगा? 2n इसका हो जाएगा 34। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आज काम है। मोस्ट प्रोबेबली मैं मॉर्मल पर डिस्चार्ज बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ओके, एंड हमारा जो मंडे होगा वो एज यूजुअल जैसा क्लास होता है, स्टूडियो से ट्यूसडे या वेडनेसडे को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा एज यूजुअल क्लास होता है वो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इथियोपियन या फिर अफ्रीकन मस्टर्ड होता है आपका ब्रैसिका कैरिनाटा, जो कि जनरली 2n=34 होता है। कितना होता है? 2n=30। ठीक है, नेक्स्ट गाइज अगर मैं बात करूं और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी तो इसके जो कॉमन नेम्स वाले वो तो खत्म ही नहीं हुआ है। जैसे आपने तोरिया का नाम सुना हो, ठीक है, किसका नाम सुना होगा आपने? तोरिया। तोरिया जो है वो है ब्रैसिका रैपा, ब्रैसिका रैपा। ठीक है, ये है आपका तोरिया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव इंडियन या फिर जो ब्राउन मस्टर्ड कहते हैं, जो कि ब्रैसिका जंक्शिया है, इंडियन या फिर ब्राउन मस्टर्ड, जो कि है ब्रैसिका जंक्शिया। ठीक है, ओके, नाउ
इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे गाइस, इसके जो ये तो हो गया इसके टाइप्स, अच्छा इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा जो आपका मस्टर्ड है इसमें एक पंजेंसी होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल और टेस्ट होता है, ये किसके वजह से होता है, ये एक आइसोथायोसाइनेट की वजह से होता है जो कि एक्चुअली एक ग्लूकोसिनोलेट प्रोडक्ट है, ठीक है, पंजेंसी आइसोथायोसाइनेट क्योंकि क्या है एक ग्लूकोसिनोलेट है, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो एक और ग्लूकोसिनोलेट पाया जाता है मस्टर्ड में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो ग्लूकोसिनोलेट मैं बताने वाला हूं ये सिर्फ एक ही स्पीसीज में पाया जाता है और वो है ब्रैसिका निग्रा, ठीक है। इसका नाम क्या है यहां पे, इसका नाम है सिनिग्रिन, ब्रैसिका निग्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ ब्रैसिका निग्रा में पाया जाता है, तो बिल्कुल भी इसको गलत मत कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कल भी हम लोग बात कर रहे थे जो आपका मस्टर्ड का फ्रूट है, जो उसका आपके मस्टर्ड का फ्रूट है उसको क्या कहते हैं, सिलिकुआ, ठीक है, क्या कहते हैं, सिलिकुआ कहते हैं, ओके, याद रखना है आप लोगों को। और इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न क्या है इसका गाइस, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न है वो है रेसिम, ओके, इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न है रेसिम, क्लियर। देन जो आपका ये मस्टर्ड ऑयल है, ओके, इसको यूएस में बैन कर दिया गया है, पता है क्यों, मैंने कल भी बताया था, इड्यूसिक एसिड के प्रेजेंस के लिए इसकी जगह पे कैनोला ऑयल यूज किया जाता है जिसमें ना के बराबर इड्यूसिक है, ठीक है। सो मस्टर्ड ऑयल जो है बैन कर दिया गया है, बैंड इन यूएसए ड्यू टू क्या चीज है, क्या चीज के लिए इसको बैन किया गया है, ड्यू टू आपका इड्यूसिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट गाइज अगर हम लोग देखेंगे कि जो आपका इसमें, अच्छा हम लोगों ने प्रोडक्शन का रैंकिंग तो देखा ही नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन और एरिया के केस में आप लोगों को पता होगा डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च जो कि भरतपुर राजस्थान में है, और एरिया एंड प्रोडक्शन में मस्टर्ड के एरिया एंड प्रोडक्शन में राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है, ओके, फर्स्ट रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन, राजस्थान, ठीक है, क्लियर। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, इनका क्लाइमेट कैसा है, अच्छा राजस्थान की बात हो रही है तो फिर क्लाइमेट कैसा रहेगा, थोड़ा ड्राई क्लाइमेट तो चाहिए ही चाहिए, पर इसका जो सोइंग टाइम है वो सितंबर अक्टूबर का है, इसका मतलब क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, हमेशा सोइंग टाइम वगैरह से ना आप रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, 18 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस का इसका रहता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, कितना रहता है 18 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका सोइंग टाइम मैं आपको बता देता हूँ, सोइंग टाइम क्या है, सेप्टेम्बर टू अक्टूबर, ओके, सेप्टेम्बर टू अक्टूबर जो है इसका सोइंग टाइम है, ओके। देन नेक्स्ट इसमें आता है गाइस किस तरह का सॉइल चाहिए आपको, ठीक है, किस तरह का सॉइल चाहिए इस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। तो जो सॉइल चाहिए वो चाहिए यहाँ पे लोमी सॉइल, और जनरली लाइट लोमी सॉइल प्रिफर किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा आप राजस्थान में ग्रो कर रहे हो तो सैंडी सैंड का पोर्शन थोड़ा सा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाद में पीएच में आते हैं, पीएच क्या है गाइस, इसका पीएच है 6 to 7.5, ठीक है, हल्का फुल्का एसिडिक, ठीक है, न्यूट्रल भी रहेगा सॉइल तो कोई दिक्कत, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द सीड रेट विच इज 4 to 6 kg per hectare, कितना है 4 to 6 kg per hectare का यहाँ पे आपका सीड रेट है, ठीक है, याद रहेगा, इजी है, ओके। नाउ ये हो गया आपका सीड रेट, अच्छा डेप्थ ऑफ सोइंग कितना है, इसका जो डेप्थ ऑफ सोइंग है वो जनरली 6 cm का रहता है, कितना 5 to 6 cm का यहाँ पे। स्पेसिंग की गाइस अगर बात करें, जो मस्टर्ड की स्पेसिंग है वो 45 से लेके 20 cm, ठीक है, 45 से लेके 20 cm का स्पेसिंग रहता है, जहाँ पे 45 cm आपका रो टू रो स्पेसिंग रहता है, और आपका जो 20 cm है वो आपका प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रहता है,
ठीक है। अच्छा हम लोगों ने रेपसीड देखा था, ठीक है। रेपसीड के केस में थोड़ा सा कम हो जाता है, रेपसीड के केस में 30x10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। रेपसीड के केस में 30 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का हो जाता है, इसका मतलब रो टू रो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा कम स्पेस चाहिए, ठीक है। अच्छा इसका क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन क्या होगा इस क्रॉप में? अगर मैं क्रिटिकल स्टेज के बारे में बताऊं इरिगेशन का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्रिटिकल स्टेज होता है सिलिकुआ स्टेज, ठीक है। सिलिकुआ एंड रोजेट, रोजेट मतलब जो इनिशियल वेजिटेटिव ग्रोथ होता है ना उसको हम रोजेट स्टेज, ठीक है, सिलिकुआ एंड रोजेट स्टेज है, ओके। दूसरा है इसमें इंपॉर्टेंट चीज है मस्टर्ड में स्पेशली इसके वेराइटीज, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा पहला हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड, कभी ना कभी तो कोई क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा एग्जाम में, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड। देखो इंडिया में जो फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड रिलीज किया गया था वो है NRCHB, जो आपका नेशनल रिसर्च सेंटर है हाइब्रिड के लिए, ठीक है, वहाँ से रिलीज किया गया था 506। लेकिन सॉरी जो आपका NRC है NRCHB 506, वो आपका डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च से रिलीज किया गया था, जो कि है भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया NRCHB 550 कहाँ से हुआ था? फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ क्या चीज? रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च रिसर्च भरतपुर राजस्थान, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया, ओके। उसके बाद गए आपने सुना होगा पूसा जय किसान, जिसका दूसरा नाम है बायो 902, ठीक है। आपका जो ब्रासिका जंक्शिया है, पूसा जय किसान, इसको हम बायो 902 भी कहते हैं। अब ये जो है यहाँ पे जनरली दिस इज द फर्स्ट वेराइटी ऑफ ब्रासिका जंक्शिया, फर्स्ट वेराइटी ऑफ ब्रासिका जंक्शिया, ठीक है, याद रहेगा, ओके। ना अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, अगर आपको कभी एग्जाम में पूछे कि पूसा जय किसान को किस मेथड से डेवलप किया गया है, तो ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड से डेवलप किया गया है, ठीक है। कौन से मेथड से? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नाउ इसके बाद अगर आप देखोगे, हम लोग थोड़ा सा कैनोला के बारे में देख लेते हैं गाइज। कैनोला जो है इसमें जो यूरिसिक एसिड है वो 3% से भी कम होता है, और जो ग्लूकोसिनोलेट्स है वो 30 μmol/g है, ठीक है। और एक इसका 00 वैरायटी है जिसमें यूरिसिक एसिड क्लेम किया जाता है कि जीरो है, ठीक है। सो इनको यूज़ किया जाता है आपके जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे मस्टर्ड बैन है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? 00 वैरायटी, ठीक है। 00 वैरायटी किसका है? कैनोला का, याद रखिए, ठीक है। एंड तो ये थे गाइस कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्टर्ड के। अगर मैं सेसमम की बात करूं तो आप लोगों को पता है सेसमम को हम क्या कहते हैं? सेसमम को हम कहते हैं क्वीन ऑफ ऑयल सीड, ठीक है। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहते हैं सेसमम। तो क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्यों कहते हैं, उसका भी रीजन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अच्छा सेसमम या फिर सेसम में या फिर तिल, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, ओके, वो क्या है यहाँ पे? सेसमम इंडिकम, ठीक है। क्या है? सेसमम इंडिकम। इसका जो फैमिली है वो है पेडालिएसी या फिर टीलिएसी, पेडालिएसी, जस्ट अ मिनट गाइस, पेडालिएसी या फिर टीलिएसी, ओके। सो ये जो क्रॉप है यहाँ पे, अगर मैं सेसमम की बात करूँ स्पेसिफिकली, इसका ओरिजिन इंडिया है और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2N=26, ठीक है। क्या है इसका ओरिजिन? इंडिया एंड क्रोमोसोम नंबर इज 2N=26, क्लियर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखोगे, अगर एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात है फर्स्ट, एरिया एंड प्रोडक्शन,
क्या है ये, गुजरात, यहाँ पे आपका गुजरात आएगा। और साथ ही साथ इसको गाइस क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहा जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन होता है, जो रैंसिड टेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, वो सबसे कम सेसम में होता है, मतलब ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ ऑयल। क्लियर, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या। देखो तो ये तो हो गया आपका जनरल पॉइंट्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वहाँ पे मस्टर्ड के केस में उसका फ्रूट का टाइप क्या था, सिलिकुआ। यहाँ पे जो फ्रूट का टाइप है इसको हम कहते हैं कैप्सूल, क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस टाइप है उसको हम कहते हैं रेसिम, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का जो टाइप है उसको हम कहते हैं रेसिम, और जो फ्रूट टाइप है उसको हम कहते हैं कैप्सूल, ओके। तो क्या कहते हैं हम, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। बाकी गाइज एक बार मैं कल लीव पे रहूँगा, कल और परसों, तो कल और परसों आपके कोई क्लास नहीं होंगे। मैं मंडे या ट्यूसडे को जब वापस आऊँगा लीव से, तो आई विल इंश्योर कि जब आपका क्रॉप प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, मैं आपको एक दिन सारे फ्लावर्स के पिक्चर्स, मतलब एक पूरा टेबल जिसमें अलग अलग क्रॉप्स के इन्फ्लोरेसेंस, अलग अलग क्रॉप्स के फ्रूट को क्या कहते हैं विथ पिक्चर्स, कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, कौन सा पार्ट है, आप थोड़ा इमेजिन कर पाओगे तो बेटर रहेगा, हमेशा मैं बोलता हूँ, ओके। तो उसको देख के हम एक क्लास पूरा का पूरा ले लेंगे ऑन ऑफ डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस एंड डिफरेंट फ्रूट्स, ठीक है। अभी के लिए जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पॉइंट्स हैं, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। इसमें ना तीन टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। आप अगर एक भी याद रखोगे ना, तो बाकी दोनों आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे याद रखूंगा सेसामोलिन, ठीक है, सेसामोलिन। अब सेसामोलिन से मुझे दूसरी चीज और कैसे याद आएंगे, देखो सेसामोल, ओके, सेसामिन, ओके। एक याद रखा मैंने सेसामोलिन, यहाँ से सेसामोल हो गया, फिर सेसामिन हो गया, ठीक है। तो याद रह जाएगा, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये जो ऑयल है ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता और हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। अब हम लोग बात करते हैं, कल आप लोगों में से जो मयंक ने कहा था कि सेसमम का हाइएस्ट ऑयल कंटेंट होता है। याद रखिएगा, क्वीन ऑफ ऑयल सीड है और इसका ऑयल कंटेंट सबसे हाईएस्ट है, 50-60%, ठीक है। ऑयल कंटेंट कितना है गाइस, यहाँ पे 50-60% है हाईएस्ट ऑयल, ठीक है, हाईएस्ट ऑयल एक्सट्रैक्शन या ऑयल प्रोडक्शन, जितने भी आपके ऑयल सीड क्रॉप है उनमें हाईएस्ट ऑयल कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदू कल्चर में ना सिम्बॉल ऑफ इमोर्टैलिटी कहते हैं, ठीक है, अमर होने का, पता नहीं क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, बट यहाँ बस सिंबल ऑफ इमोर्टैलिटी कहते हैं हिंदू कल्चर में, ठीक है। और जो कि मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव वो है, इसको कहा जाता है बटर ऑफ मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट एरिया है, सेसमम को बहुत कंज्यूम किया जाता है, इसको बटर ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है। जिस तरह से हम डेरी बटर यूज़ करते हैं, वैसे ही सेसमम से जो है यहाँ पे बटर बना के यूज़ किया जाता है। पाम ऑयल से डालडा बनता है ना, एक सब्स्टिट्यूट है घी का, ठीक है। ये जो सनफ्लावर ऑयल वगैरह है या फिर जो सेसमम ऑयल है ना, इनमें से मार्गरेन बनता है, ठीक है। क्या बनता है इसमें से, मार्गरेन, ठीक है। अमूल डिलीशियस, आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा अमूल डिलीशियस, आई गेस मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये जो मार्गरेन है बटर को मिमिक करता है, बटर की तरह होता है, ठीक है, बटर की तरह होता है, और इसको हम कहते हैं मार्गरेन, ठीक है, याद रखिएगा। सेसमम और ये सनफ्लावर, इनसे बनता है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रोटीन कंटेंट भी बुरा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल क्या बोलते हैं, अच्छा है, ओके। प्रोटीन कंटेंट जो कि है 18-20%, कितना है, 18-20, क्लियर। अब इसके आ जाते हैं हम थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज पे गाइस, इसमें हम लोग आ जाते हैं इसके सीड रेट, ठीक है। इसका जो सीड रेट है, ओके, जनरली अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग होता है। दो टाइप के जनरली इसके मेथड होते हैं, लाइन सोइंग और ब्रॉडकास्ट। या तो आप लाइन में सोइंग करो या फिर आप इनको रैंडमली ब्रॉडकास्टिंग करते हो, मतलब रैंडमली फेंक दो। अगर हमें पता है लाइन सोइंग में थोड़ा सा कम सीड लगता है और जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें ज़्यादा सीड लगता है,
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की बात करूँ, ओके ब्रॉडकास्टिंग की बात करूँ तो लगभग लगभग 4 to 5 kg पर हेक्टेयर का सीड लगता है। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे लाइन सोइंग की बात करूँ 3 to 4 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। दोनों ही केस में जो सोइंग डेप्थ है बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं तिल के, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी इसको सोइंग नहीं करते, ठीक है। तो जो सोइंग डेप्थ है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का सोइंग डेप्थ, गॉट इट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिंग, ठीक है, क्या इसका स्पेसिंग कितना रहेगा। स्क्वायर प्लांटिंग अडॉप्ट किया जाता है इसमें, जो आपका आपने हम लोगों ने कल सैफ्लावर में देखा था ना, भी स्क्वायर प्लांटिंग अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिंग रहता है वो जनरली थोड़ा कम रहता है, 30 by 30 centimeter स्क्वायर प्लांटिंग, 30 centimeter by 30, ठीक है, ये है आपका स्क्वायर प्लांटिंग, क्लियर, याद रहेगा, ओके। अब मैं बात करता हूँ गाइस, में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाइस जब ये क्रॉप मैच्योर हो जाता है ना, ठीक है, क्रॉप मैच्योर हो जाता है, इसका जो बॉटम लीव्स है, तो नीचे वाला लीव्स है, नीचे के हिस्से में जो लीव्स होते हैं, जैसे लगभग लगभग 25% लीव्स जो है ना झड़ जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, लगभग लगभग 25% जो लीव्स होते हैं वो यहाँ पे झड़ जाते हैं, ठीक है। तो मैच्योरिटी इंडेक्स ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ बॉटम लीव्स फॉल ऑफ, ठीक है, ये इसका मैच्योरिटी। नाउ इसका जो स्टोरेज में मॉइस्चर रहता है, स्टोरेज मॉइस्चर वो 6%, 5 to 6% मेंटेन होता है, बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं किया जाता, 6% इज मोर देन इनफ, ठीक है। इसमें और अगर आप देखोगे और इसमें क्या है, अच्छा एक टर्म है इसमें डेहिसेंस। अब डेहिसेंस होता क्या है, अगर ओवर मैच्योर हो गया ना, ठीक है, इसको जो कैप्सूल्स होते हैं वो फट जाते हैं और पूरे के पूरे सीड्स बिखर जाते हैं, इनके सीड्स ऐसे हैं कि आप इनको कलेक्ट भी नहीं कर पाओगे, बहुत छोटे सीड्स होते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस इसके बारे में, मस्टर्ड एंड सेसमम के बारे में, ठीक है। तो आज का क्लास एज आई सेड कि थोड़ा सा शॉर्ट है, आई गेस थोड़ा 20-25 मिनट का क्लास हुआ होगा मुश्किल से, ओके। तो मिलेंगे हम लोग मंडे या ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास में, ओके। और अब की बार जो हमारे क्लासेस होंगे थोड़े से उसका पैटर्न चेंज करेंगे आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी हम लोग सुबह स्कीम्स और करंट अफेयर्स भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, वो भी मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को स्टार्ट होने वाला है, ओके। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके, एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ स्टे सेफ। कहीं मत जाइएगा, आधे घंटे बाद आपके पुष्कर सर के क्लास, सॉरी वर्षा मैम के क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, फिर पुष्कर सर, फिर मीनाक्षी मैम, फिर हिना, ठीक है। चलो, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एंड प्लीज़ स्टे सेफ।